नमस्कार। जो लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं, मुश्किलें उन्हीं के आगे घुटने टेकती हैं। तो आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी मुश्किल आपके जीवन में आने वाली हो तो उसे आने से रोका जाए, और अगर आ गई हो तो उसका बेहतर ढंग से सामना करना आपको सिखाया जाए। और इसमें आपके मार्गदर्शक रहेंगे हमेशा की तरह आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका जी। नमस्कार। तो कैसा है आज का दिन ये हम सबको समझना है, और कैसे जीना है आज का दिन ये भी हम सबको समझना है ज्योतिष गुरु से। लेकिन उससे पहले जानना है आज का पंचांग। आज 21 अगस्त 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। आज षष्ठी तिथि है दिन भर। अश्विनी नक्षत्र है रात 12:47 तक, और उसके बाद भरणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज चंदन षष्ठी है और गंडमूल समाप्त हो रहे हैं देर रात 12:47 पर। मेष और वृषभ, आज का दिन दस्तक दे चुका है। अब आज के दिन हमें बहुत कुछ करना भी होगा, हम सबके रोज़मर्रा के तमाम काम भी होंगे। हमारी कोशिश आपके तारे में ये रहती है कि हम आपकी उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जोड़ दें। आसानी से जुड़ सकती हैं वो चीज़ें, उसके लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना। अगर उन चीज़ों को जोड़ लेंगे तो आज का दिन कैसा होगा ये दिन बीतने तक आपको समझ में आ जाएगा। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात ध्यान से सुनिए, क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर कई तरह की चिंताएं, किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति हमेशा चिंताओं को पैदा करती है, और इंसान समझ नहीं पाता कि कैसे अपनी जिंदगी के रास्ते को बनाया जाए। काम और काम से जुड़े लाभ को लेकर आज आप उसी जिंदगी के मोड़ पर खड़े हैं। जैसे क्या करना चाहिए समय में, अपनी काबिलियत को तराशने का समय है, क्योंकि यही चीज़ भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होगी। काम का उतार चढ़ाव भी बना रहेगा और लाभ और हानि की स्थितियाँ भी बनती बिगड़ती रहेंगी, और हर ऐसे दौर में अपनी मेहनत ही काम आएगी। आज आपको इसी बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय, किसी भी विकल्प को लेकर भावुकता से फैसले बिल्कुल ना करें। आज की चुनौतियों से घबरा ना जाएं। अपनी सूझबूझ से अपने हालात को बेहतर करने के जो भी मौके मिल रहे हैं उन्हें हाथ से ना जाने दें। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं चल सकती। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हालात के रूप में पीठ पीछे होता चला जाता है, और हमें उन सभी चीज़ों से समझौता ही करना पड़ता है। फिर भी जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे तो बहुत बड़ी बात है। इस समय की परेशानी ये है कि आपका मन बहुत भटक रहा है। क्या करना चाहिए समय, जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने के लिए होगा और अपनों की बात को समझते हुए ही फैसले करने होंगे। इस बात को समझ लें कि जब कोई भी चीज़ बिगड़ेगी तो आपके अपने ही आपके काम आएंगे, और उसी अपनत्व को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें समय में, अपने मन में कोई ऐसी नकारात्मकता ना बनाएं कि लोगों से तकरार की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। अपनों के प्रति आप समर्पित हैं, पर लोगों की बातों में आकर आपसी रंजिशों को आप कहीं बढ़ाते ना चले जाएं। आप अपनों के लिए समर्पित हैं लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपनी रंजिशों को दावत मत दीजिए, इस बात का ख्याल रखिए। मिथिलेश कुमार जी का सवाल है। 28/3/1999 8:45 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। 3 साल से मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। चाहते थे कि डॉक्टर बन जाएं और परिवार को कुछ बेहतर दे पाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो कब तक ही मुमकिन हो पाएगा? मिथिलेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है बुध की मार्च 2022 तक। 3 साल से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, लेकिन मिथिलेश आपको इस बात का भी आभास है कि कहीं ना कहीं कमी जरूर है आपकी ओर से, और खुद को ही पता होता है जी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी बात यह है कि आने वाला 1 साल जो है वो आपकी मेहनत को बढ़ा रहा है, और इसी लगन से अगर आप मेहनत करते जाएं तो बहुत हद तक संभव है कि आपको सफलता मिल जाए। तो एक लास्ट अटेम्प्ट आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, पर अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए। आगे बढ़ेंगे हम, और अब बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या है करना, किससे है बचना आपको? मिथुन राशि वालों को अपनी दोस्ती से जुड़ी हुई प्राथमिकताओं को समझने का समय है, इसलिए लोगों पर भरोसा भी करना होगा। लोगों से तालमेल बनाए रखने के लिए भी कभी कभी अपनी इच्छाओं के खिलाफ भी अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। हालात से समझौता कर लेना भी जरूरी हो जाता है। क्या करना चाहिए समय, विचारों का मतभेद इंसान का सुख और सुकून छीन लेता है, पर आपकी इस समय की कोशिशें उन परेशानियों को संभाले रखने में आपकी मदद कर सकती हैं। आपके अंदर वो सारी सूझबूझ है जो आप इस्तेमाल करके अपने लिए रिश्तों का सुख बना सकते हैं। क्या ना करें समय, पढ़ने में या कुछ करने के प्रयास में अपनी मेहनत को जरूर बनाए रखें, पर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से आपका नुकसान कर जाए।
अपनी उम्मीदों और अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही जिंदगी का लक्ष्य होता है, पर उम्मीदों का हद से बढ़ जाना ठीक नहीं। कर्क राशि वालों के कामकाज से जुड़ी कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो आप इस समय पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, और असमंजस की स्थिति ही वैचारिक मतभेद को पैदा करती है, जबकि आपका समर्पण ऐसी किसी भी परेशानी को बहुत आसानी से हटा सकता है। आपको भी खुद पर भरोसा करना होगा और उस भरोसे को लोगों तक इस रूप से पहुंचाना होगा कि वो आपकी बात को समझ सकें। लगातार अगर हालात आपके खिलाफ बने रहे तो मुश्किलें ही पैदा होती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? जो भी इस समय की अच्छाई है आपके लिए लाभ की स्थिति बना सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। ऐसा करने के लिए अपने ज्ञान और अपनी मेहनत को उभार लेने का समय है। जिंदगी में प्रतियोगिता की भावना बनाए रखेंगे तो लोगों से दो कदम आगे रहना आसान होता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपनों से सिर्फ लाभ की उम्मीद ना लगाते चले जाएं, बल्कि इस बात को भी याद रखें कि आपको अपनों के लिए भी बहुत कुछ करना है और अपनों के लिए वक्त भी निकालना है। लाभ कमाने के प्रयास में इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि जिंदगी की बाकी प्राथमिकताएं कहीं पीछे छूटती चली जाएं। तो लाभ कमाने के प्रयास में अपनी जिंदगी की बाकी प्राथमिकताओं को दरकिनार मत कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिंह और कन्या राशि, देखिए आपको कैसे जिंदगी को जीना है वो तो हम आपको हर रोज बताते रहेंगे, लेकिन सुन के भूल मत जाइएगा। जो भी हम आपको बता रहे हैं आसान सी बातें हैं, उनको अपने जीवन में आप आसानी से उतार भी सकते हैं, तो उतारिए और उनका असर देखिए। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात हर तरह से मददगार हैं और घर परिवार की खुशियां भी बहुत हद तक बनी हुई हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता आपकी पकड़ में नहीं आ रहा। कई तरह की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जिसके चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी अच्छाई को हर सूरत में बनाए रखना होगा। बहुत सारी विनम्रता बनाए रखते हुए लोगों की बात को समझने की कोशिश भी करनी होगी। ऐसा करते हुए सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना होने दें, क्योंकि वही मेहनत आपको जिंदगी के नए रास्ते पर चलाएगी। अपनी उपलब्धियों को किसी भी तरह की कमी की नजर से देखने से कोई फायदा नहीं होगा। कन्या राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो घर परिवार में अपनों से तकरार की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, पर इस चीज का बुरा असर इस रूप से पड़ेगा कि आप लोगों पर उस तरह का भरोसा नहीं कर पाएंगे जितने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने की जरूरत है। उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को भी हटाना ही पड़ेगा, तभी जाकर जिंदगी को आप पूरी तरह से समझ पाएंगे और उससे जुड़ी चुनौतियों को संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने हालात को किसी भी वजह से खतरे में न डालते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके पैसे की स्थिति कमजोर पड़ती चली जाएगी। कुछ भी ऐसा करना जिसका दूर तक बुरा असर आए वो ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी काम जिसका असर आगे चलकर आपकी जिंदगी पर पड़े, इशारा है कि कुछ गलत असर पड़े, तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा। सवाल लेंगे, सवाल है राजू भाई का। राजू भाई के लिए पूछा गया है, पूछा है आशाराम भाई ने पालनपुर गुजरात से। डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1980, टाइम है 10:55, दिन का, और ग्वालियर में हुआ है जन्म। ये भाई हैं आशाराम के जिनका नाम है राजू। घर लेना चाह रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, तो कब तक इनके भाई का अपना घर हो पाएगा? आशाराम भाई जी, आपने अपने भाई राजू भाई के बारे में एक सवाल पूछा है कि उसकी प्रॉपर्टी कब बनेगी। देखिए, राजू भाई की कुंडली है जी मकर लगन की और तुला राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2020 तक। ये प्रॉपर्टी से जुड़ा सवाल बहुत बड़े फैसले मांगता है, क्योंकि बहुत बड़ा निवेश होता है, और सही समय पे अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए तो उसका सुख और सुकून भी ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है। तभी तो कहा जाता है ना कि कोई ना कोई ज़मीन जो होती है वो बहुत सुख और समृद्धि ज़िंदगी में ला सकती है। तो ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर ही निवेश किया जाए। अभी फ़िलहाल कोई बहुत अच्छा समय बना हुआ नहीं, और 2024 में अच्छा समय हो सकता है, लेकिन उससे पहले अगर कोशिश की जाए तो जुलाई अगस्त 2020 में ऐसा एक समय है जिसमें अगर अपनी कोशिशों को बढ़ा लिया जाए तो बात बन सकती है। तो आगे बढ़ना है हमें भी, तुला और वृश्चिक राशि आपके बारे में जानना है कि कैसा है आपके लिए आज का दिन और कैसे जीना है आपको आज के दिन को। तुला राशि वालों को अपनी काबिलियत को भरोसे की नजर से देखना बहुत जरूरी होगा, और वो इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि उसी भरोसे से आपकी मेहनत उभर कर आएगी जो बहुत कुछ बेहतर करने में आपकी मदद कर सके। क्या करना चाहिए समय? लोगों से तालमेल बनाए रखें, अपनी बात भी इस रूप से कहें कि आपसी सद्भावना बनी रहे,
कामकाज के क्षेत्र में भी अपने साथी सहयोगियों को अपने साथ लेकर चलने से लाभ जरूर होगा। क्या ना करें, इस समय में सिर्फ पैसे को प्राथमिकता देते चले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप ऐसी उम्मीद लगाएंगे कि पैसा आसानी से आ जाए, और आसानी से आया हुआ पैसा कभी भी उस तरह का सुख नहीं दे पाता जिसकी की जरूरत। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी जो आपको नहीं कहनी चाहिए, जिसका बुरा असर किसी ना किसी रूप से आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। मन में बिठाई हुई परेशानियां कभी कभी जुबान तक आ ही जाती है और उससे भी नुकसान ही होता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी पल को संभालने के लिए उस पल की प्राथमिकता को समझना बहुत जरूरी है। हर समय हर चीज के लिए बना हुआ हो ऐसा होना मुश्किल है, और इस समय की प्राथमिकता अपने काम या कारोबार के प्रति बनी रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे बड़े बदलाव का रास्ता ना अख्तियार करें जिसकी अभी जरूरत नहीं है, इसलिए अच्छी भली स्थिति को किसी भी वजह से आप कमजोर ना करते चले जाए। अच्छे भले हालात हैं, क्यों आप खुद ही उन्हें कमजोर बना रहे हैं? क्यों अपने हालात खराब कर रहे हैं? बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। धनु मकर राशि, अब आपको क्या है करना और क्या नहीं है करना हम आपको बताएंगे, इस यकीन के साथ कि आप ध्यान से सुनेंगे। धनु राशि वालों के मन में पैसे की स्थिति को लेकर बहुत सारा असंतोष हो सकता है, जिसके लिए मन में बनते बिगड़ते विचार भी हो सकते हैं। इस बात को तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि आपकी वजह से भी खर्चे बढ़े रहते हैं, जिन्हें संभाले रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपनी इच्छाओं को थाम लेने का समय। किसी भी तरह के बड़े कदम उठाने से भी पहले आपको सोचना होगा और रुक जाने की भी जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर आपके हालात आपकी पकड़ में रहेंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के पैसे के लेन देन की वजह से अपना नुकसान ना करते चले जाएं, इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपकी मुश्किलों का हल आसानी से हो जाएगा। ये और बात है कि समय हर तरह से आपकी मदद कर रहा है, पर किसी भी वक्त को आजमाते चले जाना भी ठीक नहीं है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि बिना सोचे समझे पैसे से जुड़े फैसले किए जाएं तो गलती हो जाती है, जबकि ये समय तो और भी कई तरह की चिंताओं को उभारे हुए हैं, जिस ओर आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। घर परिवार का सुख और सुकून बनाए रखने के लिए भी ये बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह की दोस्ती को संभाले रखने के लिए आपको मनन करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई तरह के दबाव उभर कर आ सकते हैं। हो सकता है लोग आपकी बात को समझते हुए भी समझ ना रहे हो, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी प्राथमिकताओं को संभालना है तो अपनी मेहनत को कम ना होने दें, मेहनत से कहीं ज्यादा अपने प्रदर्शन की ओर ध्यान दें, ताकि उसमें किसी भी तरह की गिरावट ना आती चली जाए। तो आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत का स्तर, मेहनत का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है अपनी, उसको एक लेवल पर मेंटेन करके रखिएगा। कुंभ और मीन राशि, बात की करते हैं बात ज्योतिष गुरु से और जानते हैं कि कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आप। कुंभ राशि वालों की मेहनत अपनी जगह है, पर उस मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपके नुकसान की परिस्थितियां बना देता है, पर उससे बड़ी परेशानी यह है कि आपने खुद को बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को हटाकर अपनी जिंदगी के प्रति लगन पैदा करनी होगी, तभी जाकर वो अच्छाई उभर कर आएगी जो आपको बड़ी सफलता दे सके। हर हाल में अपनों को साथ लेकर चलना होगा, ताकि जिंदगी का सुख और सुकून भी आपके लिए बना रहे। क्या ना करें इस समय में? उस अच्छी भली स्थिति में कोई कमियां ना निकालें जो इस समय आपके लिए बनी हुई है। घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं और लोग आपको भली भांति समझ रहे हैं। किसी भी अच्छी भली स्थिति को किसी कमी की नजर से देखना ठीक नहीं होता। मीन राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज से जुड़े हालात मिले जुले योग दिखा रहे हैं। कारोबार में बढ़ती हुई पैसों की जरूरतों की वजह से भी आपकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात को आजमाने के प्रयास में अपने लिए खतरे की स्थिति बनाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मुश्किलें छुपी हुई हैं जो उजागर हो सकती हैं, इसलिए भी अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी। अपनी बात इस रूप से कहें जो लोगों को समझ में भी आए। क्या ना करें इस समय में? किसी तकरार को लेकर अपने अंदर इतनी कड़वाहट ना लाएं कि उसका बुरा असर जिंदगी की और चीज़ों पर पड़ता चला जाए। किसी के कहने में आकर अपनी बचत को कहीं ऐसी जगह पर ना लगाएं जिसे निकालना मुश्किल हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं और अब जानते हैं ज्योतिष गुरु आपसे कि जैकपॉट किसके नाम है। मिथुन राशि वालों के लिए खास उपाय है जी, कि आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। किसी भी उपाय का अभिप्राय ये होता है कि किसी भी समय से जुड़ी हुई कठिनाइयों को आसानी से पार किया जा सके।
अपने मन में धैर्य बना लेना और खुद को उन कठिनाइयों से पार पाने के लिए सक्षम बना लेना भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि मुश्किल कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपके चेहरे से मुस्कुराहट कभी जानी नहीं चाहिए। एक मुस्कुराहट मुश्किल भरे समय में मुश्किलों को आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बहरहाल कोई मुश्किल ना, इसके लिए हमारा और आपका साथ तो ये चलता ही रहेगा। अगर कोई मुश्किल तब भी आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा आईडी है aapketare@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।